हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो TES 42 को लेकर है और प्रतीक सर इन बच्चों ने बहुत सारे, कल मैंने एक सेशन इनके साथ शेयर किया था, इसमें बहुत सारे इनके डाउट्स थे, तो वो डाउट इनके दूर करना है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर TES के थ्रू इंडियन आर्मी में जा सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको फिर रिटन टेस्ट भी नहीं देना होगा। तो आप लोगों को पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर मैं प्रतीक सर को बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, फिर वो आपके साथ सेशन पूरा शेयर करेंगे। नंबर वन थिंग कि आप सभी लोग एक बात को समझिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर TES के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या था। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर है कि 12th के PCM के 85 एंड अबव परसेंट वालों को कॉल किया गया है, यानी जिसका PCM में 85% के ऊपर है 12th में, उन्हीं लोगों को इस बार TES के लिए कंसिडर किया गया। नंबर वन थिंग, अब हो सकता है कि आपके 12th में 86% हो सकता है 87 हो, पर PCM का जो टोटल परसेंटेज है वो अगर 85 से कम हो रहा है तो कॉल नहीं आएगा उन्हें का। तो एक चीज, दूसरी चीज कि आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें पता कैसे चलेगा, तो आप में से जितने लोगों ने अप्लाई किया था और 85% से अबव थे तो उनके पास एक ऑफिशियल मेल आया होगा, वो मेल आपको चेक करना। अगर आपने अब तक मेल चेक नहीं किया तो कर लीजिए, कोई इसके लिए अलग से लिस्ट नहीं निकलती कॉमन कि एक लाइन से लिस्ट निकली है बच्चों की कि कौन कौन को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं। ये लगभग 90 वैकेंसीज के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट सेंसर है। अब आपने SSB के लिए कोई भी एक सेंटर आप ले सकते हो, भोपाल ले सकते हो, वाराणसी ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो ले सकते हो, भोपाल रहोगे तो लोगे तो भी अच्छा है। और इसमें लेना नहीं है सेंटर, सेंटर वही अलॉट करेंगे, आपको केवल डेट लेनी है, आपको सेंटर ले नहीं सकते। हो सकता है आपको भोपाल सेंटर मिला हो सकता है आपको कोई और सेंटर मिला। दूसरी बात, अब आपको डेट का लॉक करना है, तो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है SSB, तो जैसे 4th of July से स्टार्ट है, तो पहली आपको 4th जुलाई के लिए डेट दी है, फिर 7th के लिए दी है, फिर 12th के लिए दी, ऐसी डेटें दी हुई हैं। तो मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा, वो सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि आप ये पूरा प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि ये पूरा फॉर्म भी फिल करना है और इसमें हर एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। मतलब कि आपको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें दी है। टैटू के बारे में दिया हुआ है, आपको सारी एक इन्फॉर्मेशन क्लियरली दी हुई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब आपने कई लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि आप लगता है पूरी इन्फॉर्मेशन केयरफुली पढ़ते ही नहीं, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते। तो आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को तैयार करिए। अब बात आती है कि कल उससे बहुत बच्चों ने एक बोला था और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप अभी इनका सेशन ले उसके पहले, कि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि SSB का मतलब है ग्राउंड ट्रेनिंग, जबकि मुझे लगता है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि SSB जो होता है वो 900 मार्क्स का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर डे वन में आप स्क्रीनिंग आउट हो गए तो बात अलग है, अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपका, उसके बाद फिर आप GTO के लिए जाएंगे और उसके बाद आपका फिर ग्रुप डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस होगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से एक पार्ट है जो ग्राउंड ट्रेनिंग का। तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपका मेंटली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो प्रत्येक सर मैं चाहूंगा कि आप इन बच्चों को एक एक छोटी छोटी चीजें बता दें जिससे ये मेंटली तैयार हो जाएं। दूसरा, इम्पिटस गुरुकुल में हम लोग जो SSB के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो 15 जुलाई से कर रहे हैं, पर बच्चे 1 जुलाई से आ जाएंगे, यानी ट्रेनिंग तो हम 1 जुलाई से भी चालू कर देंगे। एक 15 डेज की सेपरेट ट्रेनिंग भी होगी और इसमें वो सारी चीज़ें कवर होंगी जो SSB में होती हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी करें नहीं भी करें, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इनको सब बताएं और बच्चे अपने आप को उस ढंग से मेंटली प्रिपेयर करें, क्योंकि बच्चे लगातार फ़ोन भी करते हैं, क्वेश्चन भी भेजते हैं कि डे वन में क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, वर्बल और वर्बल टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, पिक्चर जो उनको दी जाती है इमेज उस पर स्टोरी को किस ढंग से लिखें या कैसे थॉट डेवलप करें, फिर डे टू प्रोसेस क्या, डे थ्री, उसका एक ब्रीफ एक आइडिया बच्चों को दें जिससे वो अपने आप को तैयार करें। और अभी आप लोगों के पास टाइम है, हो सकता है आप जब भी जो भी डेट लेना चाहें, मैंने सारे बच्चों को सजेस्ट किया कि अगस्त लेंगे तो अच्छा है, पर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली कितने समय में फिट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डेट ले सकते हैं। और आप विद इन अ वीक आपको डेट चॉइस करनी है, अदरवाइज फिर वो आपकी ऑटोमेटिकली वो लॉक करेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग डेट मिलेगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। तो सर आप इनके साथ एक सेशन लीजिए और सारी चीज़ें बताएं। हेलो फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि भाई SSB जो है वो एक्चुअल में चीज़ क्या है और उसके उससे रिलेटेड जो बहुत सारे अपने मिसकंसेप्शंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देन हम लोग फिर SSB की जो अलग अलग स्टेप्स या प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट होता है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, DIPR। SSB का जो टोटल प्रोसेस है वो DIPR के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें जो स्टेप्स वगैरह
वगैरह हैं जो भी एक एक स्टेप्स या एक एक प्रोसीजर जो होता है वो DIPR के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ना आपके एसेसर्स या जो SSB असेसमेंट कर रही है उसके जो भी उन्होंने प्रोसेस वगैरह बनाई है उससे एक कदम इधर जा सकते हैं या एक कदम इधर जा सकते हैं। एग्जैक्टली जो प्रोसेस DIPR या डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने डिज़ाइन किया है SSB उसी हिसाब से कंडक्ट की जाती है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि SSB में जो है ग्राउंड ट्रेनिंग जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बात आपको समझना पड़ेगी कि SSB बेसिकली जो है आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। SSB मैं कई बार इस बात को कहता हूँ आप स्टूडेंट से और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगा कि SSB जो है वो इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। SSB आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा है, SSB आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहा है और आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के पैरामीटर्स के अगेंस्ट में, ये चेक करने के लिए कि आप में मिलिट्री लीडरशिप्स हैं, आप में मिलिट्री लीडरशिप स्किल्स या क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर वो आपको उसके बेसिस पर रिकमेंड करेंगे अपने टेस्ट वगैरह में जो भी उनका परफॉर्मेंस रहता है, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि SSB का जो पूरा प्रोसीजर है वो डिज़ाइन किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा। दूसरी चीज़ यह है कि SSB नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रही है, SSB आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट ले रही है ये चेक करने के लिए कि आप में मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप के स्किल्स वगैरह हैं या नहीं हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि SSB जो है इसका प्रोसीजर है कैसा। SSB का जो प्रोसेस है ये आपका 5 डेज का प्रोसेस है जिसकी शुरुआत होती है स्क्रीनिंग से। सबसे पहले जो इसमें चीज आती है वो आती है अपनी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बेसिकली एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। स्क्रीनिंग में जितने भी बच्चे SSB के लिए कॉल किए गए हैं उन सब के टेस्ट होने के बाद में एलिमिनेशन होगा, और लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर 500 बच्चों को SSB में बुलाया गया है रिपोर्ट करने के लिए तो स्क्रीनिंग के बाद हो सकता है उसमें से शायद 50 या 55 या 40 बच्चे रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी ज़्यादा, और एलिमिनेशन प्रोसेस के बाद में जितने बुलाए गए थे हो सकता है उसका 1/10 या 1/5 पोर्शन ही बचेगा, बाकी सारे बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। अब एक बार जब आपकी स्क्रीनिंग क्लियर हो गई है, तो उसके बाद में अपनी मेन SSB शुरू होती है जिसमें हमारे 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका साइकोलॉजी का टेस्ट जिसको हम लोग साइक टेस्ट बोल देते हैं या बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है GTO जो 2 दिन तक चलता है, इसको GTO 1 या फिर GTO Day 1 बोल देते हैं और GTO Day 2 बोल देते हैं। और साइक के टेस्ट के दिन या फिर जिस दिन आपका GTO पहले दिन हुआ है या GTO दूसरे दिन हुआ है उनमें से किसी भी एक दिन अपना होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 3 टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से SSB आपको असेस करती है, SSB आपको जज करती है ये देखने के लिए कि भाई आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। बेसिक बात यह है कि अब कई लोग बोलते हैं कि ग्राउंड ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जवाब मैं इसका इस तरह से दूंगा कि देखिए SSB साइकोलॉजी का टेस्ट है। स्क्रीनिंग में भी आपकी जो टेस्टिंग हो रही है बेसिकली साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है, आपकी साइक को टेस्ट किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस देके। Day 2 में जो आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होगा वो तो प्योर साइक का टेस्ट है। GTO में और आपकी पर्सनल इंटरव्यू में जो टेस्टिंग हो रही है वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। कैसे, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो लेट से आपको TES का कॉल आता है, आप TES के कॉल के बाद गए वहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह करी और अब सबसे पहली चीज़ जो आपके होनी है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट होते हैं, एक आपका होगा वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट जिसमें 2 टेस्ट होंगे, एक 15 मिनट का होता है और एक 17 मिनट का होता है। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग असर्शन इन सब चीज़ों के ऊपर, वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं एंड इनके आपको 15 मिनट्स और 17 मिनट्स में जवाब देने होते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल के आपके 2 टेस्ट होते हैं और ये रिटर्न में होते हैं। इसके बाद में अगला टेस्ट होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में यह होता है कि आपको एक फोटोग्राफ दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, एक हेजी सी फोटोग्राफ, हाथ से एक जैसा रफ स्केच हम लोगों ने बनाया है उस तरीके की एक फोटोग्राफ आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स तक ये फोटोग्राफ देखने के बाद में आपको 1 मिनट दिया जाता है ये बताने के लिए कि आप जो स्टोरी अब लिखने वाले हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में बेसिकली आपसे आपको जो फोटोग्राफ दिखाई गई है उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखना होती है। तो 30 सेकंड तक आपको फोटोग्राफ दिखा दी गई है, इसके बाद में आपको 1 मिनट मिलता है
जो भी आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर रहने वाला है, जो आप इस फोटोग्राफ की थीम के ऊपर लिखोगे, वो कौन है, उसका उसकी एज कितनी है, उसका सेक्स क्या है, कि वो मेल है या फीमेल है, इसके बाद में उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताने के लिए, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने के लिए, प्लस आपकी जो स्टोरी है उसका एक्शन पार्ट क्या है या उसकी उसमें बेसिकली होने क्या वाला है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका एक्शन क्या है, वो लिखने के लिए 1 मिनट आपको दिया जाता है। जैसे कि सपोज कर लें कि आपको एक फोटोग्राफ दिखाई गई, तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आपको एक फोटोग्राफ दिखाई गई 30 सेकेंड्स के लिए, फिर आपको 30 सेकेंड्स तक इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है। ये फोटो जो है वो हेजी रहने वाली है, हेजी का मतलब है कि ज्यादा क्लियर नहीं होगी, हैंड मेड फोटोग्राफ होती है, एंड 30 सेकेंड्स तक आपको इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपका जो भी मेन कैरेक्टर इस फोटोग्राफ के थीम के ऊपर जो आप स्टोरी लिखने वाले हैं, उसमें जो आपका मेन कैरेक्टर रहेगा, उसका एज, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है और उसका मूड क्या है, ये सारी बातें बताने के लिए, मेंशन आउट करने के लिए। और इसके अलावा अगर दूसरे कैरेक्टर्स आपने उसमें नोटिस किए हैं तो उनका एज, सेक्स और मूड क्या है, वो सारी चीजें बताने के लिए। और अगली और नेक्स्ट चीज आती है कि आपकी स्टोरी में एक्शन क्या है, मेन होने क्या वाला है, वो चीज पॉइंट आउट करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। इसके बाद में आपको 4 मिनट मिलते हैं अपनी मेन स्टोरी लिखने के लिए, एंड 4 मिनट में आपको अपनी स्टोरी लिखकर खत्म करनी होती है। वंस आप 4 मिनट में अपनी स्टोरी लिखकर खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद में आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पिक्चर परसेप्शन जो आपको करना था और उसके ऊपर जो भी स्टोरी राइटिंग करनी थी, वो पोर्शन अपना खत्म हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें डिस्कशन होने वाला है इसके बाद में, वो होता है, इसमें आपको 3 असेसर्स के सामने लेकर जाया जाता है। इसमें आपको 3 असेसर्स के सामने लेकर जाया जाता है, लेट से वो 3 कुर्सियों पे इस तरीके से बैठे हुए हैं, और उनके सामने सेमी सर्कुलर फैशन में आपके बैच को या फिर आपके ग्रुप को बैठाया जाता है। लेट से अगर आपके 200 लोग हैं या 500 लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं, तो उसके 20-20 के या 15-15 के बैचेस बना के वो लोग एसेसर्स के सामने भेजते हैं। ये आपका SSR No. 1 हो गया, ये SSR No. 2 हो गया, और ये SSR No. 3 हो गया। इनके सामने आपको सेमी सर्कुलर फैशन में बैठाया जाता है। लेट से अगर हम बोलें कि चेस्ट No. 1 से लेकर चेस्ट No. 20 तक हम लोगों ने बच्चों को अंदर भेजा, तो चेस्ट No. 1 लेट से यहां बैठ गए, तो चेस्ट No. 2 यहां बैठ जाएंगे, चेस्ट No. 3 यहां बैठ जाएंगे, ऐसे करते करते सेमी सर्कुलर फैशन में आपके 20 बच्चों को यहां पे बैठाया गया। अब हर एक बच्चे को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए। 1 मिनट में जो भी उन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखी थी उसको नरेट करने के लिए बोला जाता है, मगर उसके पहले आपको एक बार थोड़ी 15-20 सेकेंड के लिए या 30 सेकेंड के लिए आपकी स्टोरी के जो पेपर्स होते हैं, जिसपे आपने अपनी स्टोरी लिखी थी, वो फिर से दी जाती है। आप एक बार उसको रीडअप कर लेते हैं, उसके बाद में वो स्टोरी के पेजेस आपसे वापस ले लिए जाते हैं। वंस इट इज डन, उसके बाद में फिर आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए, और 1-1 मिनट में सब अपनी स्टोरीज नरेट करते हैं। जैसे चेस्ट No. 1 ने अपनी स्टोरी नरेट करी, तो उसके जैसे ही उन्होंने अपनी स्टोरी नरेट करना खत्म करी है, चेस्ट No. 2 अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही चेस्ट No. 2 अपनी स्टोरी नरेट करना खत्म करेंगे, चेस्ट No. 3 अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू करेंगे। ऐसे करते 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 आपका चेस्ट No. 20 तक सब अपनी अपनी स्टोरीज को नरेट करते हैं। ठीक है, जब सबका नरेशन पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन चालू होता है। ग्रुप डिस्कशन में यह होता है कि सबको फिर बोलने की आजादी होती है, आप आपस में अपना डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, एंड आपसे एक्सपेक्टेड ये रहता है कि आपका जो ग्रुप है वो एक कॉमन कंक्लूजन पे या फिर एक कॉमन स्टोरी पर आएगा। जब ग्रुप अपना कॉमन स्टोरी या कॉमन कंक्लूजन पर आ जाता है, तो उसके बाद में ग्रुप को यह बोला जाता है कि आप अपने में से किसी एक कैंडिडेट को चूज करिए जो आपकी कॉमन स्टोरी को एसेसर्स को नरेट करके बताएगा। लेट्स से ग्रुप ने अपनी कॉमन स्टोरी जो भी थी डिस्कशन वगैरह करके बनाई, और उसके बाद उन्होंने चेस्ट No. 7 को नॉमिनेट किया कि भाई आप जो है ग्रुप की तरफ से आप हमारी जो स्टोरी है कॉमन स्टोरी जो निकल कर आई है वो आप एसेसर्स को नरेट करेंगे। तो वो अपनी जो कॉमन स्टोरी है वो एसेसर्स को नरेट करते हैं। नरेट करने के साथ ही आपका पिक्चर परसेप्शन का जो एंड डिस्कशन टेस्ट का सेकंड पार्ट था, डिस्कशन टेस्ट, ये खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद में फिर आपसे कहा जाता है कि आप लाइन से अपने उठ के अपना रूम से बाहर चले जाइए, और इसी के साथ में स्क्रीनिंग के जो सारे टेस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म किया था, पहली चीज। उसके बाद में आपने पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आपकी जो भी फोटोग्राफ आपको दिखाई गई थी, हेजी पिक्चर जो भी आपको दिखाई गई थी, उसमें आपने किस तरीके की स्टोरी लिखी है, उसका कितना अच्छा आपने नरेशन किया है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में आपने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, इन सारी चीजों के बेसिस पर आपका असेसमेंट होता है। एंड उसके बाद में फिर वेदर यू आर रिकमेंडेड फॉर स्टेज 2 और वेदर यू आर नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टेज 2। एंड
बेसिकली ये प्रोसेस खत्म होने के बाद में यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ में हमारा जो स्क्रीनिंग का पार्ट है वो ओवर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो बेसिकली आपको एक स्टोरी 30 सेकंड्स के लिए दिखा, एक फोटोग्राफ आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जा रही है, उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टोरीज वगैरह लिखवाई जा रही हैं। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ सकता है कि भाई ये फोटोग्राफ दिखा के स्टोरी लिखवाने का सेंस क्या बनता है। रीजन ये है कि बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और SSB आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करना चाह रही है और इसीलिए आपके साथ में ये टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च आपका जो टेस्ट है वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए ही डिजाइन किए गए। तो इस तरीके से हमारा जो स्क्रीनिंग का पार्ट है वो खत्म हो जाता है एंड उसके बाद में हमारा मेन SSB शुरू होता है। जब आपकी स्क्रीनिंग क्लियर हो गई, स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद में आप जिन बच्चों को रोका गया है उनसे फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरवाए जाते हैं। बेसिकली आपको PIQ फॉर्म या पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर भरना पड़ता है। इसके आपको तीन फॉर्म्स मिलते हैं, सेम फॉर्म रहता है, उसके आपको तीन कॉपीज मिलती हैं। एक कॉपी जो है वो जाती है आपका साइकोलॉजिस्ट के पास, एक कॉपी जो है वो जाती है आपकी GTO के पास में और एक कॉपी जो है वो जाती है इंटरव्यूइंग अफसर के पास में। वो कॉपी जो इंटरव्यूइंग अफसर के पास में जाने वाली है उसके साथ में आप अपनी मार्कशीट्स वगैरह की फोटोकॉपी भी अटैच करते हैं, प्लस अगर आप कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आए जैसे NCC का सर्टिफिकेट हो गया या कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह के सर्टिफिकेट्स हो गए तो वो सब भी आप इसके साथ में अटैच करते हैं। ये जो दो फॉर्म्स हैं इसके साथ में अलग से कोई और फॉर्म नहीं अटैच किया जाता, ये एज इट इज आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसके साथ में साइकोलॉजिस्ट और GTO के पास जाते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में ऑब्वियसली जो भी आपने 10th 12th की मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, NCC का सर्टिफिकेट हो गया और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच करके इस फॉर्म को भेजा जाता है। इसके बाद में आता है आपकी, इसके बाद अपनी स्क्रीनिंग होती है जब आपने इसके बाद में हमारा साइक का टेस्ट होता है। जब आपने स्क्रीनिंग वगैरह क्लियर कर ली, आपका डे वन के दिन आपकी स्क्रीनिंग खत्म हो गई, तो अब आपका डे टू शुरू होता है और डे टू में आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपका साइक का टेस्ट लिया जाता है। साइक के टेस्ट में चार सब टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या फिर इसको टैट भी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको हम लोग वैट बोलते हैं। तीसरा होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको SRT भी बोला जाता है और चौथा होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन। कुल मिला के ये चार टेस्ट आपके साइक के टेस्ट में होते हैं और ये लगभग 2.5 घंटे के करीब तक चलते हैं। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट में ये होता है कि आपको एक फोटोग्राफ दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए और आपको उसके बाद 4 मिनट मिलते हैं उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। ऐसी कुल मिला के आपको 11 फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, और 11 फोटोग्राफ्स आपको दिखाई जाती हैं और इनके ऊपर आपको स्टोरीज लिखनी होती है। 12th वाली जो फोटोग्राफ होती है वो ब्लैंक होता है, 12th वाली में आपको कोई फोटोग्राफ नहीं दिखाया जाता और जो भी फिर आपके मन में थॉट्स वगैरह आते हैं आप उसके ऊपर एक स्टोरी लिखते हैं। इस तरीके से हमारा टैट का जो टेस्ट है वो खत्म होता है। टैट खत्म होने के बाद में उसके जस्ट बाद हमारा वैट शुरू होता है। वैट में आपको एक वर्ड दिखाया जाता है 15 सेकंड्स के लिए। 15 सेकंड में आपको इस वर्ड को देखना है और इसको देखकर जो भी आपके दिमाग में एक सेंटेंस आ रहा है आपको ये सेंटेंस लिखना है। उस सेंटेंस में आप चाहें तो उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिखाया गया है, या फिर हो सकता है आप उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, हो सकता है आप उसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली 15 सेकंड में वो वर्ड देखकर आपके दिमाग में जो भी थॉट आएगा उन्हीं 15 सेकंड्स में आपने वर्ड देखा और आपको उसके ऊपर एक सेंटेंस उसके ऊपर लिखना होता है। इस तरीके से आपको कुल मिला के 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और ये 60 वर्ड्स का जो आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये 15 मिनट तक चलता है एंड उसके बाद में आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। विद इन दिस 5 मिनट ब्रेक आपको कुछ बुकलेट्स वगैरह बांटी जाती हैं जिसमें 50 सिचुएशंस रहती हैं, 50 सिचुएशंस आपके सामने रखी जाती हैं और आपको उन 50 सिचुएशंस पर अपने रिएक्शंस लिखने होते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और उसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसमें लेट से आपके सामने एक सिचुएशन आ गई कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ में फिल्म देखकर घर जा रहे थे, सडनली आपने देखा कि एक बाइक और एक कार का बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया है एंड जो बाइक पे लोग थे वो उनको काफी सीवियर चोटें लगी हैं और जो कार थी वो एक्सीडेंट के बाद में अंधेरे का फायदा उठा के, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, तो भाग गई। अब आप क्या करेंगे, इतना कह के सिचुएशन रुक गई है, अब आपको उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना है। इस तरीके से कुल मिला के 50 SRTs अलग अलग सिचुएशंस की आपके सामने रखी जाती हैं जिसके ऊपर आपको अपने रिएक्शंस देने होते हैं। इसके बाद में आपको 15 मिनट मिलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए।
सेल डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको अपने बारे में कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। पहला सेल डिस्क्रिप्शन में आता है कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, कि भाई आपके जो माता पिता हैं आपके हिसाब से आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक पैराग्राफ आपको इसके ऊपर लिखना होता है। दूसरा आता है कि व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, एक पैराग्राफ आपको इसके ऊपर लिखना पड़ता है कि आपको क्या लगता है आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा आता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोच रखते हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या सोच रखते हैं। चौथा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरीके के पर्सन हैं, एंड लास्ट व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। ये आपके पांच सब टेस्ट हैं जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। ये पांच पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बेसिकली 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो इन 15 मिनट्स में आपको इनका मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि इन पांचों पैराग्राफ में जो भी बातें कहनी है 15 मिनट के अंदर अंदर आप क्या करो उसे खत्म कर दें। तो इसी के साथ में अपना साइकोलॉजी का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। साइक का जो टेस्ट है ये लगभग 2.5 घंटे के करीब चलता है, 50 मिनट्स के करीब तक आपका TAT चल जाता है, 15 मिनट तक बैट चल जाता है, 30 मिनट्स तक आपका 30 मिनट तक आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट चल जाता है, एंड उसके बाद में बचे हुए टाइम में आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो साइकोलॉजी का टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में अगले दिन हमारा होता है GTO। GTO में बेसिकली एक लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर अलग अलग इस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट GTO के दिन होता है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद जो अगला टेस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अगला टेस्ट होता है आपका हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है स्नेक रेस। स्नेक रेस के बाद में आपका अगला टास्क आता है स्नेक रेस के बाद में आपका अगला टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद में अगला टास्क आपका आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क के बाद में आपका अगला टास्क होता है लेक्चरेट, सॉरी इंडिविजुअल हाँ कमांड टास्क के बाद में आपका अगला टास्क होता है लेक्चरेट, और लास्ट में आपका टास्क होता है फाइनल ग्रुप टास्क। कुल मिला के आपके इतने टेस्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिला के GTO में 9 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद में मिलिट्री प्लानिंग होगी, उसके बाद में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद में हाफ ग्रुप टास्क होगा, फिर आपकी स्नेक रेस होती है, स्नेक रेस के बाद में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, और लास्ट में आपका फाइनल ग्रुप टास्क होता है। ये सारे टास्क वगैरह करवाए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जैसे ही आप गए, आपका GTO की शुरुआत होती है ग्रुप डिस्कशन से। ग्रुप डिस्कशन दो आपके GDs होती हैं, लगभग 15 से 20 मिनट तक चलती हैं। एक GD में आपके ग्रुप को दो तीन टॉपिक्स दिए जाते हैं GTO के द्वारा, जिसमें से आपको आपको कोई एक टॉपिक चूज करना होता है, और उस एक टॉपिक के ऊपर आप 15-20 मिनट्स तक ग्रुप डिस्कशन अपने ग्रुप में करते हैं। जब ये ग्रुप ये GD जब आपकी खत्म हो जाती है, इसके बाद GTO अपनी तरफ से आपको एक टास्क देता है, एक टॉपिक देता है जिस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है। जब ये डिस्कशन खत्म हो जाता है, इसके बाद में हमारी मिलिट्री प्लानिंग शुरू होती है। मिलिट्री प्लानिंग में आपको एक बोर्ड पे एक मैप दिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे उसमें एक रिहाइश का एरिया दिखाया गया होगा, उसमें एक पक्की रोड दिखाई गई होगी, एक कच्ची रोड दिखाई गई होगी, कहीं पे कोई एक आपकी वाटर बॉडी दिखाई गई होगी। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की मदद से एक पूरा एक मैप बना के तैयार किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का। अब उस मैप के ऊपर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपसे फिर आपसे बोला जाता है कि आप उस सिचुएशन को पढ़ लें। आपको उसके लिए 5 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद में वो सिचुएशन आपसे ले ली जाती है, और आपको उस सिचुएशन की को सॉल्व कैसे करना है एज अ ग्रुप, आपके ग्रुप में जितने लोग हैं उन सबको कंसिडर करके कि इतने लोगों का आपका ग्रुप है, आपको इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको पेपर के ऊपर ये जो भी आपका सोल्यूशन आपने सोचा है, जो भी जिस भी तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल करने वाले हो, उसके बारे में आपको बात करना होती है। एक बार जब आपने ये अपनी तरफ से लिख लिया कि आपका क्या तरीका रहेगा जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को जो आपको दिखाई गई है उसको टैकल करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करवाया जाता है। GTO जो है वो आपके डिस्कशन को ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो किस तरीके के सजेशंस दे रहा है एंड ऑल दैट, एंड आपसे एक्सपेक्टेड ये रहता है कि आप फाइनली एक
कॉमन सोल्यूशन पर निकल कर आएंगे। जब वो कॉमन सोल्यूशन आपके पास आ जाता है तो फिर आपका ग्रुप जो है किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा जो वो कॉमन सोल्यूशन जीटीओ को के सामने रखता है। अब जीटीओ उसमें आपका आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेगा, अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देगा एंड ऑल दैट। इस तरीके से आपका जो मिलिट्री प्लानिंग का टास्क है वो पूरा हो जाता है। इसके यहां तक जो अपने टास्क होते हैं एक तरीके के इंडोर टास्क होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की, दौड़ने भागने की, उठने की, बैठने की कोई खास जरूरत पड़ी नहीं है। इनको बैठ के एक जगह आराम से कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए इनको इंडोर टास्क कहा जाता है। इसके बाद में अपने आउटडोर टास्क शुरू होते हैं। सबसे पहला जो टास्क होता है इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में यह होता है कि आपको एक सर्टेन स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। लेट से ग्राउंड पे एक लाइन यहां बनी हुई है और एक लाइन यहां बनी हुई है, इसके बीच में कुछ अलग अलग तरीके के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेट से एक आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां बना दिया, एक आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां बना दिया, एक आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहां बना दिया, इस तरीके से। और आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिए जाते हैं, दो बल्ली आपको मिलती हैं। दो बल्ली का मतलब होता है आपकी वुड की जो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। उसके बाद में आपको दो फट्टाज या फिर दो फ्लैंक, दो आपको इस तरीके के प्लैंक मिलते हैं, दो आपको रस्सियां मिलती हैं, रोप्स वगैरह दो आपको मिलती हैं एक सर्टेन डिसेंट लेंथ की, लगभग इतनी बड़ी, हाँ इतना हाथ भर की लेंथ की आपको रस्सियां मिलती हैं। और इसके अलावा आपको कोई एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ और दी जाती है एक्स्ट्रा वेट के तौर पर। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक आपको लेट से छोटा सा उन्होंने छोटा सा सिलेंडर पकड़ा दिया, या फिर एक छोटा सा डब्बा दे दिया जिसमें रेत वगैरह भरी हुई है, एक लोड आपको दे दिया कुल मिला के। इस लोड, ये चार आपके हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो है उसका सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि दो लाइंस बनी हुई हैं ग्राउंड के ऊपर एंड आपके कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर बने हुए, उसमें लाइंस के बीच में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब जीटीओ आपसे ये बोलेगा कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो आपकी ज़मीन है वो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, आप उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। आपके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका जो हेल्पिंग मटेरियल आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबका इस्तेमाल करके अब आपको यहां से यहां तक क्रॉस करना है और अपने सारे ग्रुप को क्रॉस करवा के लेकर जाना है, ठीक है ये। और मगर इन द मेन टाइम बाकी जो जमीन है आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरीके के चार टास्क एक के बाद एक लाइन में आपके सामने बने होते हैं। लेट से ये टास्क नंबर वन हो गया, जैसे ये खत्म करेंगे तो उसके बाद दूसरा टास्क आ जाएगा, उसमें भी आपको इसी तरीके के सपोर्ट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। लेट से यहाँ पे S1 S2 सिर्फ दो ही सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं। इसके बाद में आपका इसी तरीके का तीसरा टास्क आएगा और इसी के बाद में इसी तरीके का आपका चौथा टास्क आएगा। लेट्स इसको टास्क नंबर वन बोल दिया, इसको टास्क नंबर टू बोल दिया, इसको टास्क नंबर थ्री बोल दिया और इसको टास्क नंबर फोर बोल दिया। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे आपके जो टास्क है वो मुश्किल होते जाएंगे। टास्क नंबर वन कंपैरेटिवली आसान होगा, टास्क नंबर टू उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, टास्क नंबर थ्री उससे थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होगा, और टास्क नंबर फोर आपका उससे ज्यादा मुश्किल होगा। बेसिकली आपका, मगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचना है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो भी अंदर बने हुए हैं उसकी मदद से, और जो भी आपको साथ में हेल्पिंग मटेरियल दिया गया है उसकी मदद से, और आपको अपने सारे ग्रुप को भी लेकर जाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस टास्क को करने के लिए आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम मिला है, जनरली आपको 40 टू 50 मिनट्स का टाइम इन सारे चारों टास्क को करने के लिए दिया जाता है। जब एक बार ये टास्क अपने कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जब एक बार अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमारे हाफ ग्रुप टास्क शुरू होते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में लेट से अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप है तो इन 10 लोगों के ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पांच पांच लोगों के, और आपसे आप लोगों को इसी तरीके का जो टास्क अभी कराए गए थे इसी तरीके का एक और दूसरा टास्क कराया जाता है हर एक टीम को। जो 10 लोगों का ग्रुप था इसमें से आपने पांच लोगों की एक टीम नंबर वन बना दी और एक टीम नंबर टू बना दी। टीम नंबर वन को भी फिर यही टास्क करवाया जाता है, इन द मीन टाइम टीम नंबर टू कहीं पे वेट करती है, और टीम नंबर टू को भी फिर यही टास्क, इसी तरीके का एक दूसरा टास्क कराया जाता है, इन द मीन टाइम टीम नंबर वन वेट करती है। ये टास्क हो जाने के बाद में होती है स्नेक रेस। स्नेक रेस में यह होता है कि जिस तरीके से आपका 10 लोगों का एक ग्रुप बना था, लेट से अगर 40 बच्चे स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग हुए थे तो 10-10 लोग बच्चों के चार ग्रुप बनाए गए। अब ये 10 बच्चों के चारों ग्रुप ये सारे टेस्ट अलग अलग जीटीओस के पास में दे रहे हैं, तो यहां तक हाफ ग्रुप टास्क तक तो उनके उनका जो ग्रुप है वो अलग अलग अपने टेस्ट वगैरह दे रहा था। मगर स्नेक रेस में यह होता है कि ये सारा ग्रुप है एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल्स वगैरह रहते हैं एक पर्टिकुलर
पाथ में उसमें आपको रेस करना होती है, उसमें एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्पीट करता है। लेट यहाँ पर लेट से आपका एक ऑब्स्टेकल नंबर वन यहाँ पर आ गया, एक ऑब्स्टेकल नंबर वन ऑब्स्टेकल नंबर टू यहाँ पर आ गया, ऑब्स्टेकल नंबर थ्री यहाँ पर आ गया, ऑब्स्टेकल नंबर फोर यहाँ पर आ गया। ऑब्स्टेकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर रेस करनी होती है, आप एज अ ग्रुप दूसरों के अगेंस्ट में कम्पीट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में जब ये आपकी रेस खत्म हो जाती है तो इसी के साथ में अपना स्नेक रेस का जो पोर्शन है इट्स ओवर। स्नेक रेस के बाद में अगला टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इसमें अब फिर से हम लोग अपने ग्रुप में वापस लौट आते हैं, जो भी आपके 10 लोगों का ग्रुप है इन सब लोगों को एक जगह पर वेट करने के लिए बोला जाता है। आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्स्टेकल्स दिखाए जाते हैं। अब आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको इन सारे ऑब्स्टेकल्स को 3 मिनट के टाइम पीरियड में कवर करना होता है। इसमें अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स आपको हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग फर्दर फ्यूचर लेक्चर्स में बात करेंगे जब मैं आपको उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखा के ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। मगर आपको कुल मिला के 3 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें आपको एक पूरा ऑब्स्टिकल एक सर्कुलर फैशन में बने रहते हैं, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको पूरा करना होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हर एक का जो 3-3 मिनट का टाइम मिलता है, जब एक बंदा जो है वो अपना ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स परफॉर्म कर रहा है तब ग्रुप के जो बाकी लोग हैं वो वेट करते हैं। इसी तरीके से जब सारे लोगों का इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगला टास्क होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जिसका नाम होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में फिर से सारा जो ग्रुप है वो वेट करता है और GTO एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बुलाता है। जब उसने एक बंदे को इंडिविजुअली बुलाया, लेट से चेस्ट नंबर 1 से लेकर चेस्ट नंबर 10 तक में से उसने चेस्ट नंबर 3 को बुलाया इस वक्त कमांड टास्क के लिए, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि वो आपको सीक्वेंस में नहीं बुलाएगा, वो रैंडमली आपका चेस्ट नंबर कॉल करेगा। कि जरूरी नहीं है कि चेस्ट नंबर 1 का नंबर सबसे पहले आया, हो सकता है चेस्ट नंबर 10 को पहले बुलाया जा सकता है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि लेट से GTO ने चेस्ट नंबर 3 को कॉल किया है, तो चेस्ट नंबर 3 को बुलाने के बाद में उसे अपना जो भी ऑब्स्टेकल वगैरह उसको जो भी ऑब्स्टेकल है जिसको उसको कंप्लीट करना है उसको अपना टास्क दिखाया जाता है कि भाई फिर सेम सिचुएशन है, ये एक लाइन है, एक लाइन है, बीच का जो एरिया है आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, ये आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, आपके पास ये हेल्पिंग मटेरियल रखा हुआ है और आपको ये टास्क अपना कंप्लीट करना है। इसके लिए आप एक काम करिए कि आप अपने ग्रुप से 2 लोगों को बुला लीजिए जो आपकी हेल्प करेंगे। अब आप जो चेस्ट नंबर 3 है वो लेट से 2 लोगों को बुलाता है अपनी मदद के लिए, लेट से चेस्ट नंबर 4 को बुलाता है और चेस्ट नंबर 6 को बुलाता है। हो सकता है GTO आपसे सवाल पूछ लेगी भाई चेस्ट नंबर 4 और चेस्ट नंबर 6 को ही क्यों बुलाया, किसी और को क्यों नहीं बुलाया, इस तरीके से कुछ डिस्कशन होता है। अब चेस्ट नंबर 4 और चेस्ट नंबर 6 का काम यह रहता है कि वो चेस्ट नंबर 3 के सारे कमांड्स को फॉलो करेंगे, वो अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं देंगे, जो भी उनको काम करने के लिए बोला जाएगा चेस्ट नंबर 3 के द्वारा वो उसमें उसकी हेल्प करेंगे। अब यहां पे GTO जो है वो चेस्ट नंबर 3 के ऊपर फोकस हो जाता है, चेस्ट नंबर 3 किस तरीके से अपने कमांड टास्क को कंप्लीट कर रहा है, किस तरीके से उन्होंने इस टास्क को किया है, GTO वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। ऐसे करके हर एक बच्चे को बुलाया जाता है, उसको ऑप्शन दिया जाता है 2 हेल्पिंग मेंबर्स को बुलाने के लिए और एक एक टास्क उनको दिया जाता है जो उनको कंप्लीट करना होता है। एक बार जब आपका कमांड टास्क वगैरह कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में अगला टेस्ट आता है लेक्चर 8। लेक्चर 8 में आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं GTO के द्वारा, जिन 4 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक को चूज करना होता है, 30 सेकेंड्स में उसके ऊपर एक लेक्चर तैयार करना होता है और आपको 3 मिनट तक उसके ऊपर बोलना होता है। ये हर एक को दिया जाता है, आपको एक बेसिकली पेपर मिलेगा उसके ऊपर 4 आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 30 सेकेंड्स में आप जाइए उसमें से कोई भी एक टॉपिक अपना सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा ग्रुप से दूर जाके वापस आइए 30 सेकेंड्स खत्म होने के बाद और अपने ग्रुप को लेक्चर 8 या फिर एक लेक्चर उसके ऊपर आपको 3 मिनट तक देना होता है। लेक्चर 8 खत्म होने के बाद में आपका फाइनल ग्रुप टास्क होता है, इसमें सारे ग्रुप को फिर से असेंबल किया जाता है और जिस तरीके से हमको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया था जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें हमारे लिए ग्राउंड जो था आउट ऑफ बाउंड था, कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए थे और इनकी मदद से हमको इसको पार करना था, तो हेल्पिंग मटेरियल की मदद से, तो पूरा ग्रुप जो है फिर से इस टास्क को परफॉर्म करता है और इसको करने के बाद हमारा GTO का जो टास्क है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब या तो स्क्रीनिंग के दिन या फिर GTO के पहले या दूसरे में से किसी भी एक दिन पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू ऑन एन एवरेज 25-30 मिनट्स तक चलते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चलें, मगर पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, जो भी आपने उसको
जो भी उसने आपको जो भी आपने अपना फॉर्म वगैरह भरा था प्लस साथ में जो भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह और मार्कशीट्स वगैरह लगाए थे और जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी इन सब के ऊपर आपके साथ में वन टू वन डिस्कशन करता है। वन टू वन डिस्कशन में मैं जो भी आप जवाब वगैरह दे रहे हैं, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, जिस तरीके का भी आप एटीट्यूड वगैरह शो कर रहे हैं, उस सबके ऊपर वो अपना असेसमेंट करता है। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों टेस्ट होते हैं एसएसबी के पूरे हो जाते हैं। एक आपका साइक का टेस्ट हो गया, दूसरा हमारा जीटीओ का टेस्ट हो गया और एक हमारा इंटरव्यू हो गया। ये तीनों ने जो अपने अपने टेस्ट किए हैं, साइक का टेस्ट जो आपका 2.5 घंटा आपने बैठ के लिखा था उसके ऊपर जो भी उनको अपना जो भी असेसमेंट करना है वो कर अपना एक निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई आपको रिकमेंड करना चाहिए या फिर आपको आपको रिकमेंड करना चाहिए या फिर आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जीटीओ ने जो 2 दिन आपसे टास्क वगैरह करवाए हैं, इन सारे टास्क वगैरह के बेसिस पर ये डिसाइड वो अपना निष्कर्ष निकालता है कि आप वो ये डिसाइड करेगा या अपना निष्कर्ष निकालेगा कि आपको रिकमेंड करना चाहिए या आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपके साथ में वन टू वन जो भी बातचीत करी होगी उसके ऊपर वो अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई इनको रिकमेंड करना चाहिए या रिकमेंड नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने अपने अपने टेस्ट करके अपने अपने असेसमेंट्स निकाल लिए हैं। आखिरी दिन होती है हमारी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के दिन ये तीनों हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए अपना अपना असेसमेंट लेके बैठे हुए हैं और लेट से कि अगर अभी हम लेट से चेस्ट नंबर 9 जो है उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो रहा है तो चेस्ट नंबर 9 जो है कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर बैठा हुआ है और चेस्ट नंबर 9 के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। आपका जो साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट ने अपना असेसमेंट सामने रखा कि मैंने इस कैंडिडेट के बारे में इसके टेस्ट वगैरह से ये सारी बातें देखी हैं एंड मुझे लगता है कि ही इज गुड एंड वी शुड रिकमेंड हिम, या फिर मैंने इसके बारे में ये सारी बातें देखी एंड आई डोंट थिंक सो दैट ही इज अप टू द मार्क राइट नाउ सो वी शुड नॉट रिकमेंड हिम। जो भी उसने अपना असेसमेंट रखना था वो अपना असेसमेंट उनके सामने रखेगा। यही बात जीडीओ बोलेगा कि भाई मैंने जो भी इसका असेसमेंट वगैरह किया है उसके बेसिस पे आई फील सो दैट दिस चैप मस्ट बी रिकमेंडेड और दिस चैप मस्ट नॉट बी रिकमेंडेड। जो भी रिकमेंडेशन के रीजंस है वो अपने सामने रखेंगे और जो भी रिकमेंड ना करने के रीजंस है वो बताएंगे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी अपनी बात इसी तरीके से क्लियर करेगा कि मैंने इनके साथ वन टू वन डिस्कशन किया था एंड उसके बेसिस पर निकल कर आया है कि इनको रिकमेंड करना चाहिए या रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो अगर चेस्ट नंबर 9 को तीनों लोगों ने रिकमेंड कर दिया तब तो वो रिकमेंड हो जाएंगे, फिर बात करने के लिए कोई बात रह नहीं जाती है। मगर अगर चेस्ट नंबर 9 को तीनों लोगों ने रिकमेंड नहीं किया है तब फिर वो रिकमेंड नहीं होंगे, उस केस में वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि लेट से आपके चेस्ट नंबर 9 को साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड कर दिया हो और आपके इंटरव्यूइंग अफसर ने रिकमेंड कर दिया और जीटीओ ने रिकमेंड नहीं किया हो, तब फिर यहां पर डिस्कशन शुरू होता है। ये लोग अपने रीजंस आगे रखते हैं इसको रिकमेंड करने के और ये अपने रीजंस आगे रखते हैं रिकमेंड ना करने के। इस डिस्कशन के एंड में अगर ये तीनों इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि भाई द कैंडिडेट इज सुटेबल और हमको इसको रिकमेंड करना चाहिए, तब जीटीओ अपनी राय बदलते हैं और फाइनली कैंडिडेट जो है वो रिकमेंड हो जाता है। अगर इसी डिस्कशन में ये फाइनली निष्कर्ष निकल कर आता है कि नहीं जीटीओ साहब जो है वो सही कह रहे हैं एंड कैंडिडेट not be recommended, तब फिर ये recommend नहीं होंगे। अगर let's say कि discussion वगैरह के बाद में भी आप इस conclusion पे निकल नहीं पा रहे हैं कि आपको इसको recommend करना चाहिए या recommend नहीं करना चाहिए, आप अभी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब फिर चेस्ट नंबर 9 को जब आपका conference में बुलाया जाएगा तब उनके सामने कुछ situations रखी जाएंगी जिसमें उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाला जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत फर्दर टेस्टिंग होगी और उसके बाद रिकमेंड हो जाएंगे और अगर उनको लगता है कि रिकमेंड नहीं करना चाहिए तब रिकमेंड नहीं होंगे। इस तरीके से अपना जो एसएसबी का प्रोसेस है इसमें अपना ये कंक्लूड हो जाता है। अब यहां पर अगर आपने नोटिस किया हो तो चाहे आपका साइक का टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका जीटीओ का टेस्ट हो, तीनों तीन अलग अलग काम कर रहे हैं। एक आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा के उनके ऊपर स्टोरीज लिखवा रहा है, साइक की बात की जाए, कुछ वर्ड्स देकर आपसे उनके ऊपर सेंटेंसेस लिखवा रहा है, कुछ सिचुएशंस देकर आपसे उनके रिएक्शंस वगैरह लिखवा रहा है। बेसिकली वो एक तरीके से आपसे कुछ काम करवा रहा है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ वन टू वन डिस्कशन कर रहा है, जो भी आपने अपनी PIQ में इंफॉर्मेशन भरी है, जो भी अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं और इसके अलावा जिस तरह से डिस्कशन आपका आगे बढ़ता है तो उसमें जो भी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं उस इन सब के ऊपर आपके साथ में बातचीत कर रहा है। तीसरा जीटीओ जो है वो आपसे कुछ पर्टिकुलर टास्क वगैरह करवा रहा है या काम वगैरह करवा रहा है। आप देखने में अगर आप ऐसे ओवरव्यू लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइक, इंटरव्यू और जीटीओ तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। बेसिकली ये गलत है, वो कर एक ही काम रहे हैं, वो कर रहे हैं आपका असेसमेंट
आपके ये चेक करने के लिए कि आप में मिलिट्री लीडरशिप है या नहीं है, आप में 15 जो अफसर लाइक क्वालिटीज वो तलाश रहे हैं या नहीं, वो है या नहीं है, बस उनका तरीका जो है वो अलग अलग है। साइक का जो टेस्ट है वो प्योरली अपनी अप्लाइड साइकोलॉजी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के इंसान आप एक्चुअल में हैं, वो सारी चीज़ें निकालने के लिए, वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के लिए साइकोलॉजी का टेस्ट आपका लिया जा रहा है। अब यही चीज़ आपसे इंटरव्यू में जो है वन टू वन डिस्कशन में निकल कर आ रही है, और वही चीज़ जो है आपसे कुछ काम करवा के निकल कर आ रही है। एसएसबी अब ये एसएसबी ये है कि अगर आप जो बोलते हैं, पहली चीज़ जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, अगर ये तीनों चीज़ों में एक कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलती है कि हाँ भाई जो बात ये व्यक्ति बोलता है यही बात इसके मन में भी है, निकल कर आती है और वही बात इसके कामों में झलकती है, तब तो एक कॉन्ग्रुएंसी आपकी दिख रही है, तो आपके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि हाँ इनके ये जो है इसके बिहेवियर में, इसके मन में, इसके वाणी में और इसके कर्म में एक सिंक्रोनिसिटी या फिर एक कॉन्ग्रुएंसी आपको देखने को मिल रही है, और उसके बाद में ये जो कैंडिडेट है एक सुटेबल केस है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए कि रिकमेंड इनको करें या ना करें। अब अगर इन एसएसबी ये पाती है कि आपकी कॉन्ग्रुएंसी आर्मी के स्टैंडर्ड्स या जो भी नेवी एयरफोर्स जिस किसी के लिए भी आप गए हैं उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है, तब तो आपको रिकमेंड किया जाएगा, मगर अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स को अभी मीट नहीं कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। 100 बात की एक बात जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि एसएसबी आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रही है, एसएसबी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है, मगर उसके लिए तीन अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। एक जगह आपसे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं कर रहे, आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस दिखा के आपके ऊपर आपसे उसके बारे में लिखवाया जा रहा है, एक जगह आपसे बातचीत हो रही है और एक जगह आपसे काम करवाया जा रहा है। मनसा वाचा कर्मा, ये अपना एसएसबी का मोटो है, मनसा यानी कि आपके मन में क्या है, वाचा यानी कि आप बोल क्या रहे हो, और कर्म जो आप कर क्या रहे हो। तीनों में अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए मिलती है और उसके बाद में अगर आप स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तब आप रिकमेंडेशन के लायक हैं, मगर तीनों में अगर कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए नहीं मिलती है तब फिर आपका रिकमेंडेशन होने के चांसेस डिमिनिश हो जाते हैं। तो पॉइंट यहां से यह निकल कर आता है कि बेसिकली एसएसबी जो है वो आपकी पर्सनालिटी को या फिर आपके व्यक्तित्व को, आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट कर रही है तीन अलग अलग असेसमेंट या तीन अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक्स की मदद से। तो ये कहना कि ग्राउंड पे वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या GTO इंपॉर्टेंट है, ये सही नहीं है। काम वो तीनों एक ही कर रहे हैं, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने का, मगर उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड लास्टली जो चीज निकल कर आती है वो ये है कि आप में 15 अफसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अगर आप में है, ये आपके अंदर इंकल्केटेड हैं, तो फिर वो आपके बिहेवियर में झलकती हैं। साइक के जो टेस्ट में आपने लिखा होगा उसमें भी बातें निकल कर आएंगी, एंड आपका जो इंटरव्यू में आपने बोला होगा उसमें भी ये बातें निकल कर आएंगी, और अगर GTO में जो आपने काम किया होगा उसमें भी बातें निकल कर आएंगी। अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है, आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, तो फिर आप पकड़े जाओगे, और अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है मगर आप पूरा मार्क नहीं है, कहीं कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज आप शो कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज आप शो नहीं कर पा रहे, एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, तो भी आपका फिर चांसेस कम है। अल्टीमेटली कहने का ये मतलब निकलता है कि हम यहाँ पे जो तीन टेक्निक्स वगैरह हैं जिसकी मदद से एसएसबी आपको टेस्ट कर रही है, कर वो एक ही काम रहे हैं, बस उनके जो असेसमेंट के मेथड्स हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। अब इंपिटस में हम लोग क्या करते हैं, आपको जब इन टेस्ट वगैरह की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट की तैयारी करवाई जाए, चाहे इंटरव्यू के टेस्ट की तैयारी करवाई जाए, चाहे GTO के टेस्ट की तैयारी करवाई जाए, आपको तरीके नहीं बताए जाते कि आपको ऐसा कर लेना है तो इससे आपको फायदा होगा, आपको ऐसा कर लेना है तो इससे आपको नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर काम इस तरह से किया जाएगा कि आपकी मदद की जाएगी टू असेस योरसेल्फ। आप कैसे इंसान हैं, आपको उसने अपने उस असेसमेंट में आपकी मदद की जाएगी, और आपका जो भी असेसमेंट निकल कर आता है, जो भी फिर आपके अंदर शॉर्टकमिंग्स निकल कर आती हैं, जो भी आपके अंदर अच्छी बातें निकल कर आती हैं, उस सब के ऊपर फिर हम लोग स्ट्रेस देते हैं इस बात के ऊपर। लेट से आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा है, तो हमारी कोशिश यह रहती है कि और ज़्यादा इम्प्रूव हो, और लेट से अगर आपका लेट से मैनेजमेंट क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं है,
तो इसके ऊपर फिर काम करवाया जाता है ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। इसी तरीके से अगर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है वो उतनी अच्छी नहीं है तो इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करवाया जाता है। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स वगैरह जब आपका असेसमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद उनके ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करवाया जाता है। एंड ऑफकोर्स जब उन इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ फिर आपके साइकी और आपके इंटरव्यू और आपके जीटीओ के टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है ताकि एक कैंडिडेट जो है वो एक सुटेबल कैंडिडेट या एसएसबी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाला कैंडिडेट बनकर वहां पर जाए एंड फाइनली वहां पर रिकमेंड हो सके। तो हमारे जो कोर्सेज वगैरह यहाँ पर चलेंगे बेसिकली रिटन टेस्ट की तैयारी के अलावा जब एसएसबी की बात आती है वो तीन चीजों के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। सबसे पहला कि आपका पर्सनल असेसमेंट और उसके बाद में जो भी फिर आपकी शॉर्टकमिंग्स या लिमिटेशंस वगैरह निकल कर आती हैं इंप्रूवमेंट और तीसरी चीज उसके बाद में जब ये दोनों काम आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में तीसरी चीज आपका एसएसबी के टेस्ट की प्रिपरेशन। इम्पिटस के जो टेस्ट वगैरह हैं जिसमें एसएसबी की तैयारी करवाई जाएगी इम्पिटस का जो पूरा प्रोग्राम है वो इस मोड पे काम करता है कि आप में क्या कमियां हैं उनका सबसे पहले असेसमेंट होगा उसके बाद में उसमें इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर काम होगा एंड देन थर्ड थिंग कि हाँ ये जब दोनों काम आपके हो चुके हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो इंप्रूवमेंट्स की जो जरूरत थी जब वो पूरी हो चुकी है उसके बाद में फिर आपकी प्रिपरेशन के पार्ट के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है ताकि फाइनली जब आप वहां पर एसएसबी में जाएं तब आप एक्ट ना करें तब आप ये एक्टिंग ना करें कि मैं भाई ऐसा हूं तब आप में वो क्वालिटीज एक्चुअल में झलके कि हाँ आप एक्चुअल में ऐसे हैं। एक तो ये होता है कि आप एक्टिंग करते हैं तो फिर वहां पे एक्टिंग का तो काम नहीं चलेगा आप पकड़े जाएंगे। इम्पिटस एसएसबी की प्रिपरेशन में फोकस करता है एक्टिंग ना करवा के आपके अंदर उन सारी चीजों को इनकलकेट करने के ऊपर। आप अगर अपने अंदर इन सारी चीजों को इनकलकेट करेंगे तो फिर एसएसबी में जाके वो सारी चीजें अपने आप रिफ्लेक्ट होंगी चाहे आपका साइक का टेस्ट हो जाए चाहे आपका इंटरव्यू का टेस्ट हो जाए चाहे आपका जीटीओ का टेस्ट हो जाए और उसके बाद में आप एक सुटेबल कैंडिडेट बनकर निकलकर आते हैं। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट में आपके ऊपर काम करवाया जाएगा एंड बिलीव मी जब आप इसको ज्वाइन करेंगे जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइनली बी कॉन्फिडेंट विद इन योरसेल्फ दैट यस आई डू डिजर्व टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी दिस हैज बीन द लिमिटेशंस इन मी आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ आई वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस लिमिटेशंस आई डेवलप्ड ऑल दिस क्वालिटीज एंड नाउ फाइनली आई फील सो दैट आई एम फिट एंड आई एम सुटेबल टू बी रिकमेंडेड बाय SSB to join the armed forces and this is the way in which our in which our program is going to work so that you are trained in a manner that you will be able to meet up to the standards of SSB and you may not crack SSB but you may get recommended by SSB. So on this note I will like to finish the session. Good luck to all of you whosoever are appearing for SSB and may God bless you all. Thank you.